हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूं, अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकॉन एज वेल, ताकि कोई भी आने वाली टेक्निकल वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सो चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक चूज किया है वह लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या काइंड्स हैं और कहां कहां पे इनका इस्तेमाल होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसके दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है लिक्विड लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा है सेमी सॉलिड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो आगे चलते हैं। जो लिक्विड लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। ग्रेविटी फीड मेथड होता है, स्प्लैश फीड मेथड होता है और प्रेशर फीड मेथड होता है। इस तरह सेमी सोलर सिस्टम होता है, एलपी ग्रीसिंग होता है और इस तरह एचपी ग्रीसिंग होता है। लेट्स गो फॉरवर्ड। लिक्विड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, इन दिस लुब्रिकेशन सिस्टम ऑयल इज यूज एज ए लुब्रिकेशन मीडियम। तो इसमें तीन कैटेगरीज हैं, इसमें ऑयल लूबल यूज किया जाता है एज ए मीडियम, ग्रेविटी फीड मेथड होता है, स्प्लैश फीड मेथड होता है और प्रेशर फीड मेथड होता है। तो तीन कैटेगरीज हैं इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए। लेट्स गो फॉरवर्ड। जो ग्रेविटी फीड मेथड है, फर्दर इसको आगे फोर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टेंट ऑयल ऑयल लेवल ऑयलर विक लुब्रिकेशन होती है, इस तरह वाइब्रेटिंग पिन लुब्रिकेशन होती है, नीटल वाल लुब्रिकेशन होती है। तो ये सारी कॉमन है, बट मोस्टली जो कॉन्स्टेंट लेवल ऑयलर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में, इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। इन दिस सिस्टम स्मॉल ऑयल रिजर्वायर आर लोकेटेड बीसाइड बेयरिंग होजिंग एंड ऑयल लेवल कैन बी एडजस्टेड एज पर रिक्वायर्ड लेवल। इसमें क्या देखें, नीचे ऑयल रिजर्वायर है और इसमें क्या होता है, बेयरिंग का जो जो बॉटम वाला जो रोलिंग एलिमेंट है वो 1/3 ऑयल में डिप होता है। तो वो फिर ड्यूरिंग रोलिंग या ड्यूरिंग रनिंग, तो वो जो बॉटम जो जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो उसको ऑयल को पिक करता है बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए। तो ये कॉमन मेथड है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है मोस्टली। जितने भी ओवरहैंग पंप होते हैं, बिटवीन पंप होते हैं या स्टीम टर्बाइंस हैं या इवन तो और भी फर्दर जो रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पर इसका खासा इस्तेमाल होता है। लेट्स गो फॉरवर्ड। अगर ये स्प्लैश फीड मेथड है, तो ऑयलर्स स्लिंगर रिंग आर यूज टू कैरी द ऑयल फ्राम बेयरिंग होजिंग एंड लुब्रिकेट द बेयरिंग। इसमें देख रहे हैं जो जो स्लिंगर रिंग होता है, कुछ लोग इसको स्प्लैश रिंग भी कहते हैं, वो ऑयल रिजर्वायर में डिप होता है। तो ड्यूरिंग रनिंग वो ऑयल को कैरी करता है और बेयरिंग को लुब्रिकेट करता है। ये भी बहुत कॉमन है इस्तेमाल इसका इंडस्ट्री में। इसके अनदर एग्जाम्पल है कि ऑयल डिपर यूज टू पिक द ऑयल फ्राम ऑयल सम्प इन इंटरनल कम्बशन इंजन। तो इंटरनल कम्बशन इंजन में भी इसका खासा इस्तेमाल होता है। लेट्स गो फॉरवर्ड। अगर प्रेशर या फोर्स फीड मेथड, इन दिस सिस्टम लूब ऑयल वाज सप्लाइड टू बेयरिंग बाय फोर्स विद द हेल्प ऑफ एडिशनल लूब ऑयल ऑक्सिलरी सिस्टम। तो ये फोर्स या प्रेशर फीड लुब्रिकेशन जो होती है, जितने भी मल्टी स्टेज पंप होते हैं या मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स या स्टीम टर्बाइंस, इवन द गैस टर्बाइंस, तो वहाँ पर ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑक्सिलरी सिस्टम होता है, एक सेपरेट एक ऑयल का टैंक होता है और उसके साथ पंप दिए जाते हैं। तो वो बाय फोर्स इससे जितने भी बेयरिंग्स हैं, चाहे रेडियल बेयरिंग है या एक्सियल बेयरिंग है या थ्रस्ट बेयरिंग है, उनको लुब्रिकेट किया जाता है इस सिस्टम से। तो इन दिस ऑक्सिलरी लूबल सिस्टम मेन इक्विपमेंट लूबल रिजर्वर होता है। इसमें पीजेडवीज होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, पीसीवीज होते हैं, तो रन डाउन टैंक आल्सो अवेलेबल। मतलब इसमें रन डाउन टैंक भी होता है इन केस अगर आपका पावर फेलियर हो जाए, तो इक्विपमेंट को सेफ शट डाउन के लिए फॉर सर्टन टाइम लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके। तो आगे चलते हैं। इस तरह जैसे सेमी सोलर इसमें ग्रीसिंग सिस्टम को कहते हैं, इसमें जो नॉर्मल जो ग्रीस गन होती है, इसको हम लोग एलपी ग्रीस सिस्टम कंसीडर करते हैं, या हाई प्रेशर ग्रीस गन होती है, जितने भी जैसे प्लग वाल्स हैं जो हाई टेम्परेचर्स पे होते हैं, या इस तरह बहुत सारी और भी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर ग्रीस गन इस्तेमाल की जाती है। तो मोस्टली दो ही काइंड की ग्रीस गन होती है, जो नॉर्मल ग्रीस गन इसको हम लोग एलपी ग्रीस गन कंसीडर करते हैं,
और दूसरे वाली को एचपी पे ग्रीस करना कंसीडर करते हैं। ये था आज का टॉपिक के लुब्रिकेशन के बारे में, कि लिक्विड लुब्रिकेशन कौन सी होती हैं और सेमी सोलर लुब्रिकेशन कौन सी होती हैं और इनका फर्दर इस्तेमाल। तो अगर ये टॉपिक किसी आप सबको पसंद आता है तो इसको प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकॉन एज वेल। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, प्रेस बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल, सो यू विल बी नोटिफाइड वंस न्यू वीडियो अपलोडेड। थैंक्स एवरी वन टू वॉचिंग मी हेयर। टेक केयर एंड सी यू अगेन। बाय।